भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे वो 95,517 वोटों से पीछे हैं और लगभग चुनाव हार चुके हैं, और खुद तो चुनाव हारे हैं, साथ में एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को भी वो चुनाव हरा दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर इस वक्त पवन सिंह बने हुए हैं और राजा राम सिंह 3,28,645 वोट प्राप्त करके पहले पोजिशन पर बने हैं और पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव लगभग हरा दिए हैं। यानी काराकट लोकसभा क्षेत्र से जो पवन सिंह की सीट बताई जा रही थी वहां से पवन सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं और लगभग बात कहें तो वो हार ही गए हैं, क्योंकि औपचारिक घोषणा होना शेष है, 1.5-2 लाख वोटों की गिनती अभी शेष है और पवन सिंह 95,517 और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा 1,04,503 वोटों से पीछे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पवन सिंह की, तो पवन सिंह ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया था तो वो निर्दलीय लड़ने का फैसला किए थे और उनका मकसद भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के प्रत्याशी को हराना था और एनडीए के प्रत्याशी को उन्होंने अब हरा दिया है। यानी पवन सिंह ना जीत रहे हैं ना जीतने देंगे और इसके बाद राजा राम सिंह जो है वो भारी बहुमत से काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहे हैं। दूसरी बात, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो उनके अंदर नाराजगी थी, वो आसनसोल से टिकट वापस करने के बाद बिहार से टिकट मांग रहे थे और जब बिहार से उनको टिकट नहीं मिला तो भैया वो निर्दलीय लड़ गए और निर्दलीय लड़े तो अब ये परिणाम हुआ है कि पवन सिंह जो है पूरा खेल ही गड़बड़ा दिए हैं, पूरे खेल में जो है वो पानी फेर दिए हैं, पूरे खेल पर मटिया मेट कर दिए हैं और मटिया मेट इतना किए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जो चुनावी मैदान में थे और जिनके जीतने की आशा थी वो बुरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक समझिए कि वो लड़ाई से इस वक्त बाहर हो चुके हैं, दूसरे पायदान पर भी आने के लिए उनके पास चुनौती नहीं बची है और दूसरे पायदान पे आना जो है मतलब समझिए कि उनके लिए बड़ी चुनौती का सबब है। यानी वो दूसरे पायदान पर भी नहीं रहेंगे, दूसरे नंबर पर पवन सिंह रहेंगे और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा जो है 1,04,503 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 2,24,142 वोट पाकर जो है अपनी साख भी नहीं बचा पाए उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के बहुत जो है बहुत अच्छे सिपाही थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने उनको इस बार टिकट काराकाट से दिया और काराकाट से लड़ने का मतलब कि उनकी जीत। लेकिन पवन सिंह जब निर्दलीय के रूप में ताल ठोकते हैं तो नरेंद्र मोदी भी उनके समर्थन में रहते हैं, इसके बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में आते हैं नरेंद्र मोदी, इसके बाद अमित शाह भी आते हैं, राजनाथ सिंह भी आते हैं, चिराग पासवान कई बार जाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कुछ भी ये जो है रास नहीं आया और उपेंद्र कुशवाहा अब चुनाव जो है बुरी तरीके से हार रहे। एक बार फाइनल अपडेट आपको बता देते हैं, लगभग 6 बजने को है और 6 बजे राजा राम सिंह जी 3,28,645 वोटों से आगे हैं, पवन सिंह 2,33,128 वोट पाए हैं, लेकिन 96,000 अभी ताजा अपडेट है, पवन सिंह 96,000 वोटों से पीछे हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा 1,06,058 वोटों से और राजा राम सिंह 96,000 वोटों से लीड बनाकर जो है 3,31,715 वोट जो है पाकर वो अपनी लीड बनाए हुए हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय दीजिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।